डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए कुछ नया वीडियोस लेकर के आया हूँ। मतलब आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ एक मैसेज टाइप का वीडियो मैं आप सबके लिए बनाया हूँ। जैसे कि आप सबके लिए क्या, मैं बच्चों के लिए बनाया हूँ, वैसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं और रूरल एरिया से है, जो गाँव घर से है, अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए, तो गार्जियन और टीचर के बीच में क्या समस्याएँ होती हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होता है उसके जरिए मैंने इस वीडियो में आप सबको बताने की कोशिश की है। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको, है ना? बहुत ही मैसेज के बहुत ही अच्छा मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और जो गाँव घर के मजदूर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए तो खास बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पसंद आएगा वीडियो जरूर, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है माय डियर, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मास्टर साहब। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी कहूँ, क्या बोले ली हमारा स्कूल में? जी तो आज आपको हमारे स्कूल में बुलाया गया है बहुत ही खास काम के लिए। आपके बच्चों के बारे में हमें जानना है। आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, आपने एडमिशन करवाया है, तो मैं आपके बच्चों के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अरे गजब आदमी छी, यहाँ पढ़ बच्चे, यहाँ बच्चा के पढ़ै छी, बच्चा सवाल हमरा से पूछबे, यहाँ कथी पूछे वहाँ हमरा से? अरे आप गुस्सा क्या कर रहे हैं? सवाल मैं पढ़ाता तो हूँ आपके बच्चे को, लेकिन सवाल मैं आपसे किताब का नहीं पूछने वाला हूँ, आपके बच्चों से जुड़ी कुछ बातें पूछूंगा आपको। जैसे कि आपके बच्चे जब हमारे स्कूल में आए हैं तो वो क्या सीखा नहीं सीखा, हमर बच्चा की समझ लई न समझ लई, की पढ़ लई न पढ़ लई, अहाँ न जनबई, मास्टर अहाँ छी कि हम जनै छी? अरे यार गजब हाल है, हम पढ़ा दिलिए अहाँके बच्चा के, जे है से हम स्कूल में नाम लिखवा दिलिए, तो ओकरा बाद की भेलै बच्चा के से अहाँ न बतबै, अहाँ हमरे से पूछै छी उल्टा, बताउ। आप बुरा समझ रहे हैं सर मेरी। अरे हम सब हती लेबर मजदूर आदमी, दिन भर खटे वाला आदमी, हम की करबै, बच्चा के पढ़बै कि हम काम करे जेबै, आए बताऊ अहाँ, अहाँ ऐसा सवाल हमरा से पूछै छियै? बच्चा के जे अहाँ के हियाँ धो दिले छी तो पढ़ैयौ लिखैयौ अहाँ के जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी अहाँ के है कि बच्चा केना पढ़तै न पढ़तै, अच्छा इंसान केना बनतै से अहाँ न सोचबै। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से आपके बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं तब तक उसमें कुछ सीखा या नहीं, आपको कुछ नज़र आ रहा है उसका डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट के मतलब हुई छे कथी, यहाँ कथी इंग्लिश बोल के हमरा बरगल आबे चाहे छी? अरे सर ऐसी बातें नहीं हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों का जब से हमारे स्कूल में नामांकन करवाया है तब से आपके बच्चे कुछ सीखे या नहीं सीखे हमारे स्कूल से, जैसे सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, नहाना धोना, स्कूल समय से आना, बदमाशी घर में कम करना, ये सब सीखे हैं या फिर बढ़ गया है, ये जानने के लिए हम आपको अपने स्कूल में बुलाए हैं। जी जहिया से यहाँ के स्कूल में हम बच्चा के एडमिशन करवैलिए वहिया से ठीक है, समय से उठ उठ जाइए, नहा धोवा लै छै, खा पी के स्कूल चल अबै छै, इतना काम जे है से वो कर लै छै। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके बच्चे सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? ओकर जखनी मन होतै तखनी सूत के उठै छै, जखनी मन होइ छै तखनी सूत के उठै छै, अहाँके कथी लेबे देवे के है? अरे ऐसे कैसे, जब मन होगा तब सो के उठेंगे, आप उसके पिता हैं, आपको कुछ समझना चाहिए कि उसको कब उठाना चाहिए, उसको कब सोना चाहिए, इस सब बातों का ध्यान रखना है आपको। जैसे कि बच्चे हैं तो सुबह 5 बजे आप उसे उठाइए, उसे नहलाइए धुलाइए, ब्रश करवाइए, है ना, टाइम टेबल से जो है उसको स्कूल कोचिंग भेजने के लिए प्रेरित कीजिए। अरे हम सब बहुत व्यस्त छिए जीवन में, कमाए खाए के चक्कर में रहिए, हम कते ध्यान देबै ओकरा पर, हम केना ध्यान देबै से अहाँ बताओ। जी हम समझ रहे हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं आप, लेकिन बिजी होने के साथ साथ आपको बच्चों के लिए भी समय निकालना होगा ना सर। आप पढ़े लिखे नहीं हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसको बिठा के रख सकते हैं ना पढ़ने के लिए, कि भाई जो तुमको स्कूल से होमवर्क मिला है, जो टीचर ने आपको कहा है वो काम आप कीजिए। मतलब हम बाहरों काम करिए या घरों में आके काम करिए, मतलब खेती बाड़ी भी हम करै छी, अब हम पढ़बो करूँ ना? अरे आप नहीं बच्चों से करवाइए, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप अपने
बच्चों को बिठा करके पढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि भाई तू बैठ के पढ़ो, तुमको जो स्कूल में टास्क मिला है वो टाइम टेबल से उसको पढ़ा सकते हैं ना, आप इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। हमारा थोड़ी सोचे के ही चीज़, हमारे तो काम ही बच्चा के अहाँ के स्कूल में धो दिलिए महीने महीने आके पैसा देवे के, अब अहाँ ओकरा पढ़ैयो लिखैयो सब कुछ तो अहाँ करबै ना, काम अहाँ के है जी बिल्कुल। अरे पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, यानी कि हम आपके साथ बैठ के बात किए ना बच्चों के बारे में, जो हम लोग राय विचार किए ना उसी को पीटीएम कहते हैं। पेरेंट्स आप, टीचर हम दोनों मिलके मीटिंग किए, पीटीएम हो गया। ओ अब समझ ली, पीटीएम मतलब अहाँ हमारा बच्चा। जी जी ठीक है मास्टर साहब, ये चीज़ हमारा समझे में भूल भ गए, हम सब तो अनपढ़ आदमी छी, जनबे करै छी, पढ़े लिखल छी न तो जनली नहीं चीज सब, तो एक लिए तनी परेशानी हो जाए, बुरा न मानू, माफ़ करू जे भेल ऐसे है ना। चलो ठीक है मास्टर साहब, अहाँ जते बात कहलिए हम सब ध्यान देबे, बच्चा के हम भले पढ़ल न छी तो की भ गए, हम ओकरा घरे बैठा के रखबै आ पढ़बै ओकरा, हम कहबै बैठ के पढ़े ला जे स्कूल के टास्क मिल रही है ओकरा हम 2 घंटा 3 घंटा घरे जबरदस्ती बैठा के रखबै आ पढ़बै ओकरा, कहबै बोल बोल के पढ़े ला लिखे ला है ना। तो अहाँ बहुत अच्छा काम कैली है, अहाँ हमारा बच्चा ले लेते अच्छा सोच ली है, लेकिन हम न समझ पैली अहाँ के बात के लिए, लेकिन अहाँ हमारा क्षमा कर दू। ठीक है मास्टर साहब, अहाँ जे भी कहली बहुत अच्छा बात, हमारा बच्चे के लिए अहाँ सोचै छी, एते तो हम न जनित रहली है ये चीज़ सब, हमारा सबके एते दिन से बच्चा सबके पढ़बै छी कहाँ कोई ई बात सब कहले रहलक। चलो ठीक है मास्टर साहब, जाए तो अभी इजाज़त दियो, धन्यवाद। जी सर धन्यवाद, उस इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप फॉलो करें, आप अपने बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें अच्छे से पढ़ाएं, घर पे भी उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।